ये रूखी सूखी पथरीली प्यासी पहाड़ियां, गवाह हैं कि किस तरह कुदरत भी इंसान के सामने लाचार हो सकती है। एक मिसाल ये भी है इंसान चाहे तो चट्टानों का सीना चीर कर प्रकृति को फलने का पांव पसारने का मौका दे सकता है, ये कहानी है आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम की। आंध्र प्रदेश वो जमीन जिसे प्रकृति का वरदान मिला, और यहां के मेहनतकश लोगों ने इस वरदान को अपने पसीने से सींचा। ताज्जुब नहीं, देश के महत्वपूर्ण कृषि राज्यों में गिनती होती है आंध्र प्रदेश की। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पहाड़ किसानों को खाद और लकड़ी देते और जानवरों के लिए मिलता आश्रय और चारा। यही पहाड़ बादलों को आकर्षित करते और वर्षा होती। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि प्रकृति से खिलवाड़ भी लगातार जारी रहा। इन पहाड़ियों को जैसे निचोड़ लिया गया, साथ में मिट्टी का कटाव, हरियाली ने पहाड़ों का साथ छोड़ दिया। Soils are degraded and moisturism has been decreased. Microbes have been destroyed. Unpalatable and useless grasses have come up and tree growth has been totally depleted. Water table has been decreased. नतीजा सूखे खेत, भूखे जानवर, ठंडा चूल्हा। गांव के गांव पेट भरने के लिए शहर की ओर पलायन करने लगे। समस्या का समाधान और स्थिति को बदलना जरूरी था। साल 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया। महात्मा गांधी नरेगा के साथ जुड़ी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY। मकसद पहाड़ियों को फिर से हरा भरा बनाना। We want to cover all the barren hillocks. We want to see greenery everywhere in the Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में रायल सीमा के अनंतपुर, चित्तूर, कर्नूल, YSR कडप्पा और प्रकाशम जिलों को चुना गया। इन सभी जिलों में बहुत कम वर्षा होती और साल दर साल सूखे की स्थिति बनी रहती। सभी जिलों में कुछ लक्ष्य निर्धारित हुए। पहाड़ियों में हरियाली को वापस लाया जाए, बादलों को आकर्षित किया जाए ताकि ज्यादा वर्षा हो, भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जाए, मिट्टी का कटाव रोका जाए, साथ साथ भूमिहीन किसानों के लिए रोजगार और पूरे समुदाय के लिए ऐसे साधन बने जो लगातार कमाई का जरिया भी बने। यू हैव टू आइडेंटिफाई द हिलॉक्स फर्स्ट एंड देन व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस हिलॉक्स, व्हाट इज द जियोलॉजी ऑफ द हिलॉक्स, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द हिलॉक्स, व्हाट इज द लैंड यूज, व्हाट इज द लैंड कवर ऑफ द हिलॉक्स, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिग्रेडेशन, what type of drainage lines are there. This will give you the essential input scientifically what should go in the greening. आंध्र प्रदेश में इस समय हम बढ़ रहे हैं विजयवाड़ा से 225 किलोमीटर जिला प्रकाशम की तरफ।
ये है गांव गुरुवाजी पेटा। आंध्र प्रदेश के उन गांवों में से एक जो लंबे समय से पानी की कमी और सूखे की मार झेलते रहे। The Prakasam district rainfall normal rainfall is 832 mm, against which nowadays for last 4 years there is no rainfall in Prakasam district due to decrease in the green cover and then change in climate. Venkat is गांव के एक किसान हैं, लेकिन खेती में सिंचाई तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं है। परिवार चलाने के लिए शहर जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं। गांव के ज्यादातर किसान भी यही सोच रहे थे। गांव में पहले 40 से 45 मीटर खोदने पर पानी आ जाता था, फिर ऐसा बुरा वक्त आया कि 350 फीट खोदने पर भी पानी नहीं आता। हम पूरी तरह वर्षा पर निर्भर हो गए, वर्षा जो कभी आती ही नहीं। नतीजा, किसानों के लिए कोई काम नहीं। तभी गांव में पहुंचे महात्मा गांधी नरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े कुछ लोग। नमस्ते सर, नमस्ते। वार्ड की मैनेजमेंट है इतना। मकसद, लोगों को समझाना कि गांव में पानी कैसे लौटेगा। बंजर पहाड़ियां कैसे होंगी हरी भरी। ग्राम सभा की मीटिंग में भी गांव के सामने पूरी योजना रखी गई। सरकार क्या करेगी, गांव वालों को रोजगार तो मिलेगा ही, हरियाली मिलेगी और पानी भी। गुरुवाजी पेटा गांव पंचायत ने पूरा सहयोग किया। हमने जिम्मेदारी ली कि हम महात्मा गांधी नरेगा के साथ मिलकर हरियाली को वापस लाएंगे। ये हमारे गांव के अस्तित्व का सवाल था। महात्मा गांधी नरेगा के तहत गांव वासियों ने 40 हेक्टेयर में फैली पहाड़ियों को हरा भरा बनाने की मुहिम पर काम शुरू किया। महात्मा गांधी नरेगा में होने वाले 155 कार्यों में से 100 कार्य प्राकृतिक साधनों के प्रबंधन और उनमें से 70 कार्य जल से जुड़े हैं। ग्रीनिंग ऑफ हिलॉक्स इन दोनों ही कसौटियों पर खरा उतरा। The main component of MGNREGA is a drought proof, so as to receive more rainfall and more vegetation and more moisture regime. So in order to replenish this vegetation and also as a activity of drought proofing, plantation program has been taken up. So the objective of taking up the greening of hillocks is that these hillocks shall become an income source to the gram panchayat and the landless poor. ऑफ हिलॉक्स यानी पहाड़ों को हरा भरा बनाने के लिए पहला कदम जमीन को तैयार करना। इस काम के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत 250 गांव वासियों को रोजगार मिला। बीइंग ए ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट द 100 डेज मिनिमम वेज प्रोविजन हैज बीन इंक्रीज्ड टू 150 डेज। तालाबों के साथ साथ खोदी गई ट्रेंचेस यानी छोटी छोटी खाइयां। साल में अगर एक दिन भी वर्षा हो जाए तो उसकी हर बूंद यहां जमा हो जाती है और पूरे साल जमीन की नमी बनाए रखती है। Trenches are must. That too, deep trenches. Shallow trenches do not survive. The model focuses on ensuring more amount of rainwater captured. So, about 25,000 cubic meters of water
will be captured in the forms of trenches and various works. This water in the form of soil moisture will help the plant to grow. हरियाली की तरफ अगला कदम पेड़ लगाना। ये काम चुनौतियों से भरा हुआ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। The planning is very important. The planning for greening of hillocks has to start to a year before. It will help you to grow the plants that are needed in the nursery. Because in nursery, at least 9 to 10 months of period is needed to raise the required plants. Selection of species, we should be very careful. They should be location specific, which are adjustable or adaptable for this area. Plantation should be on the mound, not on the surface, and drought resistant and non-browsing species we have to select. We should cater to the needs of their firewood, fodder for their cattle, and other minor forest produce that are required for the day-to-day life of the rural community. प्रकाशम जिले में गुरुवाजी पेटा गांव से जुड़ी इन पहाड़ियों पर ही नहीं, रायल सीमा के दूसरे सूखाग्रस्त या कम बारिश वाले जिलों में करीब 426 सूखी पहाड़ियों पर 27 लाख पेड़ लगाए गए, जैसे सीताफल, इमली, नीम, करंज और मधुका। From NREGA, we have met all the costs, say the soil conservation activities, or cost of plant material, or cost of maintenance. But from the NREGA, we can go for only 1 or 2 years maintenance. Ultimately, we have to link the rural community to the forest. अगला कदम पौधों की देखरेख, ये है उसी की तैयारी। गांव से ही चुने हुए कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, यही बनेंगे वन मित्र। गांव गुरुवाजी पेटा ने 3 वन मित्र तैयार किए। नारायण रेड्डी भी एक वन मित्र हैं। इनका दिन सुबह जल्दी शुरू होता है। करीब 8000 पौधे जिंदा रहें, फले फूलें, ये जिम्मेदारी है इनकी और इन्हीं की तरह हर वन मित्र की। मक्कल बाप माल का दगर चूसान। मैं पेड़ पौधों का ध्यान रखता हूँ, जानवर यहाँ आकर इन्हें उजाड़ ना दें, ये सबसे बड़ी चुनौती है, मैं उसका सामना करता हूँ। ये पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे तभी हम भी जीवित रहेंगे। वन मित्र का चुनाव गांव में से ही होता है। इनकी तनख्वाह 4000 रुपए महीना, जो देती है ग्राम पंचायत। ऐसा इसलिए ताकि गांववासी और ग्राम पंचायत भी इस मुहिम से जुड़े रहें। We have motivated the community. Now the community is protecting the forest or the greening of the hillocks, the program what we have taken up. Now they say, so it is their own land, we will be protecting this forest forever. पौधे जिंदा रहें, फले फूलें, इस पर निगरानी कैसे रखी जाए?
मॉनिटरिंग एक महत्वपूर्ण शर्त किसी भी योजना के सफल होने की। इसका समाधान ब्लू फ्रॉग टेक्नोलॉजी। समय समय पर पौधों के विकास की रियल टाइम तस्वीरें ली जाती हैं और प्रोजेक्ट से जुड़ा हर अधिकारी और आम जनता भी जब चाहे पौधों के विकास को मॉनिटर कर सकता है। दिस एरिया आल्सो सिमिलर टू राजस्थान, वेरी लेस रेनफॉल एरिया, सो व्हेन दिस इज पॉसिबल हियर इन दिस एरिया, दिस कैन बी डन इन एनीवेयर इन द कंट्री। गुरुवाजीपेटा गांव से जुड़ी तीन पहाड़ियों पर साल भर पहले जो पौधे लगाए गए थे उनमें से 81% से ज्यादा जिंदा हैं और फल फूल रहे हैं। गुरुवाजीपेटा इज वन सच एग्जांपल वेयर वी हैव सीन दैट 80-90% सर्वाइवल इज देयर इवन दो दिस पर्टिकुलर ईयर देयर इज ओनली 2 रेनी डेज। सूखी पहाड़ियों पर हरियाली फूटने लगी है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत अब ग्रामवासियों को सिर्फ रोजगार ही नहीं मिलता, ऐसी सुविधाएं और एसेट भी बन रहे हैं जो लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे। The water is available now. It's the again thanks to Narega. Narega is not only providing wage employment to the rural poor and also creating the durable assets and the very essential water to the gram panchayat. Aalopu devudu dayavalla. ईश्वर का शुक्र है, इस साल दो दिन भरपूर वर्षा हुई। ये हुआ पहाड़ियों पर पेड़ पौधों की वजह से। पेड़ों की वजह से पानी का जलस्तर ठीक हुआ है, पानी ऊपर आ गया है, किसान खेती कर सकता है। पानी आया तो हरियाली भी लौटने लगी, किसान को और क्या चाहिए। वाटरशेड प्रोग्राम में जो चेक डैम बने, तालाब बने, ये सब महात्मा गांधी नरेगा की वजह से संभव हुआ। नतीजा अब यहाँ से किसानों का पलायन रुक गया है। पेड़ पौधों की वजह से आने वाले सालों में और ज्यादा वर्षा होगी। उम्मीद है अगले 7-8 सालों में ये जगह ऊटी की तरह खूबसूरत हो जाएगी। ग्रीनिंग ऑफ हिलॉक्स यानी पहाड़ियों को हरा भरा बनाने की ये मुहिम अब विद्यार्थियों और आसपास के नौजवानों के लिए एक रिसर्च का विषय और एक मिसाल बन चुकी है। महात्मा गांधी नरेगा ने हाथ बढ़ाया और सूखे से जूझ रहे इन गांवों ने हरियाली की एक नई दास्तान लिख डाली। तैयार हुआ एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दोहराया जा सकता है और हरियाली के कारवां को मिल सकती है नई उड़ान।